पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के बैनर तले लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने की और कार्यक्रम का संचालन शाहनवाज इलियास द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और कहा गया कि 2 साल से अधिक का समय कोरोना काल में बीता है, जिसके चलते क्लब के सदस्यों द्वारा भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। क्लब पूरी तरह से वर्किंग मोड पर आ चुका है। आज सभी लोगों के द्वारा मंथन किया गया कि क्लब के संगठन पर एक बार फिर विचार किया जाए, इसीलिए आज संगठन के सभी सदस्य मौजूद रहे और सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष पद और अन्य पदों पर अपनी अपनी राय रखी गई, जिसमें क्लब के अध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा कहा गया कि आज हम सभी की सहमति से नए अध्यक्ष का ऐलान करते हैं, जिसमें मोहम्मद इमरान को मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया, वहीं सुशील कुमार सिंह को सर्वसम्मति से महासचिव घोषित किया गया, तो वहीं स्वर्गीय शरद गौतम के पुत्र जगत गौतम को सर्वसम्मति से सचिव पद के लिए चुन लिया गया और सभी के द्वारा खुशी का इजहार किया गया। सभी की सहमति से मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष पद पर चुने गए मोहम्मद इमरान को सभी के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी गई, तो वहीं महासचिव बने सुशील कुमार सिंह को भी मुबारकबाद पेश की गई। तो आज यहाँ पर 3 पद, एक अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष और एक महासचिव और एक सचिव नियुक्ति हुई है, और अध्यक्ष पे मोहम्मद इमरान है, न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी सहमति हुई है, सब सहमति से उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया गया है यहाँ पर। और उसके बाद महासचिव का जो पद है वो सुशील सिंह हैं, ईटीवी के वरिष्ठ, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं ईटीवी के, उन्हें, और एक हमारे अभी नया पत्रकार शरद गौतम के पुत्र जगत गौतम, जो आज तक के रिपोर्टर हैं मुरादाबाद में, उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें एक सचिव का पद अभी कमेटी में दे दिया गया है सर्वसम्मति से, और बाकी अभी 5 पद अभी बचते हैं, उसमें संरक्षक, अध्यक्ष और महासचिव सर्वसम्मति जताएंगे, लोग उसमें अप्लाई करेंगे और जैसा भी होगा, यदि एक व्यक्ति है तो वो सर्वसम्मति से चुन लिया जाएगा, यदि 2 हैं तो आपस में मंत्रणा होगी, और अगर वोटिंग की भी जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी, उसमें कमेटी का पुनः गठन होगा और क्लब को बहुत तेजी से आगे बढ़ा जाएगा, गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, सारे लोग काम करेंगे। उन्होंने एक अहम जिम्मेदारी मिली और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जिम्मेदारी और जो उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है कि उनकी भरोसे की कसौटी पर मैं खरा उतरूं, और मैं ये आश्वस्त करता हूं अपने साथियों को कि मैं उनके हर दुख दर्द में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ, और अपने साथियों से भी यही अपील करूंगा कि भाई वो अपने काम के प्रति सजग रहें, मेहनत से और ईमानदारी के साथ अपने काम का निर्वहन करें, और मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब का अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना जो कहूंगा कि मैं उनके हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहूं। सबसे पहले मैं क्लब के सभी सदस्य और पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे महासचिव सहमति से नियुक्त किया है, और क्लब को हम सभी पदाधिकारी और सदस्य मिलकर क्लब को आगे बढ़ाएंगे, क्लब की सक्रियता जारी रखी जाएगी, जो भी क्लब के सदस्यों के साथ, पत्रकारों के साथ उनकी जो समस्याएं, उनके समस्याओं का निदान भी किया जाएगा, और समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, लोगों की अनाथ आश्रम में जाकर वृक्षारोपण करके इस तरीके के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे सचिव का पद दिया, और मैं पूरी निष्ठा से अपना काम करूँगा और सबके साथ अपने क्लब का विकास करने की कोशिश करूँगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।